हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं म्यूजियम। ये डिगबोए जो म्यूजियम है AOCL का। फाइनली हम अंदर पहुंच गए। और ये जो है देखिए, पहले जो यूज होता था वही है ना, आसाम ऑयल बजाज, यही लेके जाना पड़ेगा। कौन कंपनी का है ये देखिए, कितना पुराना, दो स्कूटर रखा हुआ है। और ये जो है देखिए, उससे अच्छे दिखाते हैं आपको। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर बूस्टर पंप एंड मोटर एंड बाइक। ये देखिए पहला मोटर है जो यहाँ चलता था। और ये स्ट्रीम कंट्रोल वाल्व था, यहाँ पे लिखा हुआ है ये स्ट्रीम कंट्रोल वाल्व। ये मीटर है देखिए, पुराने जमाने, ये लिखा है 1932, ये 1932 का मैन्युफैक्चरिंग है। और ये भी है इसी का ही सामान जो पंप का, इसमें थी ब्लोअर, ये ब्लोअर था उस जमाने का, नंबर 5 स्टीम। इधर घूम के ही हम लोग देखेंगे, मतलब आप लोग अगर आएंगे तो यहाँ देखने को मिलेगा ये जो है। और ये जो है 1932 में ही, मतलब 1932 को ही ये मैन्युफैक्चरिंग है। ये देखिए, ये आगे से ये पंप है, ये घूमता था। हम फोटो खींचे। और ये देखिए, एक आदमी का मूर्ति बना हुआ है, देखिए ये दाढ़ी भी है ठीक है। ये देखिए हम बोले कैसा है, ये था क्या चीज, और यही है। और आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए वो है हॉट ऑयल, मैं जूम करके दिखाता हूँ। हॉट ऑयल पंप विथ चार्ज ब्लॉक, ये हॉट ऑयल का था। देखिए यहाँ पे भी ये मूर्ति बना हुआ है। देखिए यहाँ पे ये भी रखा हुआ है, जो आदमी यहाँ चला रहा है। और ये इंजन जो है वहाँ से लाइन गया है ऊपर, जो कि हॉट ऑयल यहाँ से निकालता था जमीन से, क्रूड ऑयल जो गर्म होके आता था ना, वही ऑयल वहाँ जाता था। और ये जो है हैवी ड्यूटी चोकर रोड पंप, हैवी ड्यूटी चोकर रोड पंपिंग व्हील हेड, ये पंपिंग है, पंपिंग हेड था ये। और ये है क्रिसमस ट्री और एक्समस ट्री, मीन्स क्या है इसका क्या यूज था, दिखाने भी नहीं देखा नहीं। ये जो है ये भी पंप ही है, अरे ये प्लान से है ना, पंप है। और ये जो है चोकर रोड पंपिंग व्हील हेड डंकी, ये भी वाटर हेड है। अरे अच्छी चीज दिखाते हैं उस समय का, ये जो है ये फायर गाड़ी है। ये देखिए फायर गाड़ी रखा हुआ है। और ये है, ये देखिए पीछे साइड में ये वाटर टैंक था। और ये जो है स्टेयरिंग यहाँ पर रखा हुआ है देखिए। और ये देख रहे हो, ये पहचान रहे।
यहाँ पे ये देख सकता है, ये जानकारी है आप लोगों को, ये कौन है, ये कौन है आप लोग बताइए। और बाकी ये पीछे जो है पुरानी उस समय का गाड़ी है, कितना सुंदर से रखा हुआ है अच्छे से। और आप लोग डिगबोई आ रहे हैं तो ये म्यूजियम जरूर देखिए, यहाँ अंदर देखिए स्टेयरिंग अभी भी संभाल के रखा हुआ है, कितना अच्छे से रखा हुआ है, अभी भी ऐसा लगता है कि रानी में है। और ये KLP नंबर प्लेट, ये कहाँ का नंबर प्लेट है आप देखिएगा, KLP 580 इसका नंबर है, उस समय का मारुति सर्विस थे, ये देखिए नंबर। और ये आदमी जो है ये तेल डाल रहा है, उसके साथ ही ये पेट्रोल पंप है उस समय का, नज़दीक से जाके दिखा देते हैं, ये पेट्रोल पंप है ठीक है। और ये पेट्रोल पंप के ऊपर देखिए प्रेशर वो लगा हुआ है, यहाँ पे अभी भी लिखा हुआ है नो स्मोकिंग। और ये आपको दिखा रहे हैं, ये जो है इसी में क्रूड ऑयल जो गरम करते थे और गरम करके उबालते थे, ये जो कढ़ाई जैसा दिख रहा है आपको, इसी में क्रूड ऑयल उबाल के मतलब गरम किया करते थे उस ज़माने में, मतलब जो ब्रिटिश लोग काम करवाते थे हम लोग यहाँ के आदमी से, तो इसी में गरम क्रूड ऑयल गरम करवाते थे। और ये जो है लंबा सा आपको दिख रहा है, ये जो है आपका फिल्टर है उस समय का, क्रूड ऑयल जो फिल्टर होता था वो फिल्टर है ये, आप देख सकते हैं इतना लंबा फिल्टर लगा हुआ था, ये पूरा आगे से लेके लास्ट तक ये फिल्टर है। और यहाँ पे ये सब रबर का कुछ लगा हुआ है, जो ये कॉटन का है एक्चुअली, रबर का नहीं है, ये है उस टाइम में सब कॉटन लगा हुआ है, ये फिल्टर प्रेस है, इसके अंदर जितने भी आप लोग देख रहे हैं ना ये ब्लैक ब्लैक ये। और ठीक इसके सामने ये जो देखिए ये CSR मोन इंजन, ये भी उसी टाइम का 1932 का ही है, ये 1938 लिखा हुआ है, ये देखिए ये थोड़ा निकल गया, देखिए 1938 रनिंग साइंस 1938, देखिए इंजन का। और अभी हम जा रहे हैं ट्रेन में बैठने, ये देखिए ट्रेन यहाँ पे लगा हुआ है मेरे पीछे, ये देखिए ये ट्रेन है, यहाँ पे ट्रेन में चलते हैं। चलिए ट्रेन का डब्बा है उस टाइम का, ये देखिए ट्रेन का आगे इंजन है, ये इंजन का तरीका देखिए, दूसरा इंजन देखिए, ये देखिए ये इंजन ट्रेन का इंजन देखिए, यहीं पे शायद यहाँ पे शायद कोयला डालता था, इसके अंदर कोयला से चलता था, यहाँ कोयला डालते थे अंदर, और ये जो है ये घूमता था, ऊपर से पंप से चलता था वहाँ पे। और ये जो है यहाँ पे कुछ सामान वामान लेके जाते थे शायद आदमी, आदमी के लिए था, सीट भी लगा हुआ है आदमी के लिए, सॉरी यही जो है माल ले जाने वाला डब्बा था, ये ट्रक जैसा ट्रैक्टर में जैसे लगाता रहता वैसा ही है। लेकिन एक चीज़ अच्छा नहीं लगा, ये जो म्यूजियम है म्यूजियम में काफ़ी गंदगी देखिए, इसके अंदर सिगरेट भी देखने को मिला मुझे, ये देखिए सिगरेट का पैकेट, ये जो वो फ्रूटी पानी का बोतल और ये सब कचरा पड़ा हुआ है, काफ़ी गंदगी दिख रहा है। तो ये थोड़ा मतलब जो भी आ रहा है यहाँ पे देखने ये यहाँ पे ना फेंके, देखिए सिगरेट का पैकेट फेंका हुआ है और यहाँ पे पानी का बोतल स्प्राइट बोतल सब कुछ फेंका हुआ है अंदर में, ये ना कर कभी। देखिए यहाँ पे ये जो है ये प्लांट के अंदर है, और ये साइड में आगे चल के और देखते हैं। चलिए और अभी दिखा रहे हैं ये एयर कंप्रेसर है उस समय का, ये है 1929 का एयर कंप्रेसर है, जो आप देख सकते हैं उस समय जो एयर कंप्रेसर यूज़ करते थे वही यहाँ पे रखा गया है। और ये जो है एक टेक्नीशियन जो है इसको रनिंग में कर रहा है, ये जो मतलब आदमी का भी हम मूर्ति बना कर रख दिया है, जो म्यूजियम में आपको अच्छा लगे देखने को कौन कैसे कहाँ से चला रहा है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है डिको के स्ट्रीम वाइज है, ये स्ट्रीम का मोटर ही है, कंप्रेसर का ही है, ये देखिए स्टेयरिंग है जो ब्रेक या अनब्रेक है उसमें लगा सकते हैं। और ये भी उस समय का पंप ही है,
यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिखाते हैं। और ये भी है 1929 और बॉयलर फीड पंप है, स्टीम टरबाइन है, ये स्टीम टरबाइन टरबाइन था ये। और ये जो है आपका, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, स्टीम क्या लिखा है, फॉरगेट स्ट्रीम हैमर, ये स्ट्रीम हैमर है कुछ, ये भी यूज होता था उस समय। और ये जो है, ये है आपका फायर अंदर आयुषल इक्विपमेंट है, एओडी था, असम ऑयल कॉर्पोरेशन था उस समय। और ये जो चीजें हैं फायर का जो इक्विपमेंट है, ये सभी फायर का इक्विपमेंट है। और ये फायर के लिए यूज करते थे, कहीं भी अगर आग लग गया तो फिर ये यूज करते थे। आपको देख सकते हैं यही सब यूज करते थे उस समय आग लगने के पर। और आगे अब एक जुगाड़ है जो कि ऑयल ड्रम है, ड्रम को ही यूज करते थे वो लोग, काट के यहाँ पे पाइप डाला गया था और ये यूज करते थे। और आगे ये सब पाइपें जो है उस समय सेकेंड टाइम जो इशूडी हुआ था उस समय यूज करने वाले ये सब बोट के लिए नाव भी रखा हुआ का। और आप लोग आएंगे तो जरूर देखिएगा, ये म्यूजियम बहुत अच्छे से रखा हुआ है अभी भी। और ये 1929 से लगभग जब से आईसीएल स्टार्ट है उस समय से जो आदमी यूज करते थे, जो भी सामान यूज करते थे वही सब यहाँ पर रखा हुआ है, जो भी इक्विपमेंट है वो भी रखा हुआ है। और जहाँ से क्रूड ऑयल निकालते थे वो भी यहाँ पर है, आपको नहीं दिखा पाए, अगर अगले वीडियो में अगर आपको दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं फरवरी 1945 में ये सब, जो भी मतलब पूरा डिटेल्स यहाँ पे। ये जो है मेन गेट है, अभी हम लोग वहाँ पीछे से घुसे। ये जो है ये मेन गेट है, क्योंकि यहाँ से बंद किया गया है इसीलिए यहाँ से नहीं घुस सकते। ये जो नया गेट लगा के रखा है, ये ताला लगा के रखा है। और ये जो है पुराने नया गेट, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू डिस्कवरी वर्ल्ड। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ ये साइड में भी ये बनाया हुआ है, ये देखिए तो बढ़िया से बनाया हुआ है, ये देखिए ये शायद सीमेंट का होगा। और यहाँ पे जो है एक मेढक दिखे फॉक्स, ये मेढक यहाँ पे बना हुआ है, देखिए जो है ये मेढक है, या उंगली टूट गया है इसका, ये भी टूट गया है, अभी पुराना हो गया। और ये जो है ये भी बढ़िया कंक्रीट का ही है, बढ़िया बना के रखा है ये जो गेट है। और यहाँ से आप एंट्री लेंगे तो यहाँ पे एक चेकिंग कैबिन है,